Assalamualaikum guys, this is Ali from Bingo Tech. आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ और ये है एक बड़ा मशहूर हमारा लोकल ब्रांड मेडिसाइन. नॉर्मली हम हर वक्त इसको देखते तो हैं मगर हमें बहुत सारा टाइम हमें ये नहीं पता था कि इसको यूज़ किस तरह से करना है. तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लेके आने का मकसद यही है कि इसको जो है आज हम रिव्यू करेंगे कि ये बेसिकली वर्क किस तरह करता है और एक आम इंसान इसको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है. तो बेसिकली ये प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट है और इजीली जो है हर मार्केट और हर स्टोर पे अवेलेबल है. इसको आप जहाँ चाहे आप किसी भी जगह से पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी खरीद सकते हैं. अच्छा, ये आई गेस इंटरनेशनल भी जो है ये शिप किया जाता है क्योंकि इसका एक माना हुआ नाम है और इसका एक जो है ना इसका एक ब्रांड अपना जो है अपना ये लेके चल रहा है कि नहीं हमें क्वालिटी पर बेसिकली काम करना है. तो लेट्स ही देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है और क्या ये वर्थ रखता भी है कि नहीं. चलिए लेट्स ओपन दिस एंड सी हमारा प्रोडक्ट किस तरह का निकलता है. तो आपको एक बॉक्स में बेसिकली एक पाउच मिलेगा. ठीक है, ये एक पैक पाउच है, उसके साथ कुछ कार्ड्स हैं जो कि बहुत बड़ी बात है कि लोग लाइफ टाइम वारंटी क्लेम कर रहे हैं और आपको जो है आपकी इस प्राइस में आपको वारंटी भी दे रहे हैं कि ठीक है आप जो है जब चाहें इसकी वारंटी क्लेम करवा सकते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट में इशू हो. उसके अलावा एक ये यूज़र मैनुअल है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा देसी नहीं खोल के देखते नहीं चेक करते मगर मैं ये फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक एक चीज़ को देखें अगर आप समझ के देख सकते हैं इसको. अगर नहीं दे सकते तो फिर ये वीडियो तो कन्फर्म आपके लिए है. ठीक है, ये लॉग बुक है. जब जब आप चेक करते रहें आप अपने जो है एंट्रीज यहाँ करते रहें क्योंकि ये एंट्रीज ऑफकोर्स डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है कि वो किस टाइम पर यूज़ कर रहा है और किस टाइम डॉक्टर को दिखाना है अपने रेगुलर डॉक्टर को खासतौर पर. तो ये रिमाइंडर से बेटर रहता है कि आप उसको लॉक कर लें. चलाएँ इसको खोल के देखते हैं कि बेसिकली किस तरह काम करता है. ठीक है, तो बेसिकली ये इसके अंदर एक इसका रिव्यू है जिसमें आपको एक ग्लूकोमीटर मिलता है. ठीक है, और क्वालिटी वाइज बेसिकली अच्छा है, मतलब नॉट बैड, ठीक जाएगा. अच्छा, ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है. लेट्स सी कि इसके अंदर बैटरी है कि नहीं. ठीक है, बैटरी इसमें प्री इंस्टॉल्ड है. नॉर्मली आपको बैटरी या तो प्री इंस्टॉल्ड मिलती है या फिर एक प्लास्टिक डली हुई होती है या फिर बैटरी अलग से मिलती है. तो जब कभी आपको लगे कि आज बैटरी नहीं तो आप एक दफ़ा डबल चेक कर लें. यहाँ से बैटरी वीक हो जाए तो ये ईजिली मार्केट से अवेलेबल होती है. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है ये आपका बेसिकली वो पेन है जो कि आपके काम आता है आपको ब्लड आपके निकालने में. ठीक है, इसमें ही नीडल इंसर्ट होती है और किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं. इसके अलावा ये पैकेट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पैकेट है. ठीक है, तो इसके साथ आपको मिलता है एक नीडल सेट, उसके अलावा एक स्ट्रिप पैक. ठीक है, इसमें बॉक्स है, इसमें लिमिटेड स्ट्रिप्स हैं मगर ये ख़त्म भी हो जाती हैं ऑफकोर्स चूँकि आप बार बार नीडल चेंज कर रहे होंगे, आप स्ट्रिप्स चेंज कर रहे होंगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये इजीली हर स्टोर पे, हर छोटे बड़े मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है और इवन हर छोटे बड़े शहर में अवेलेबल है. तो आप मेडिसिन का नाम लें और उनकी स्ट्रिप आपको जगह से मिल जाएंगी रिजनेबल प्राइस पर. तो आइए चलें इसको आप चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है. तो सबसे पहले मैं इसका काम करूँगा कि मैं इसमें से एक निकालूँगा नीडल. ठीक है, कुछ ये इस तरह से आती है. तो आप सबसे पहले जो है अपना प्रिपरेशन वो किस तरह से करेंगे वो इस तरह से करेंगे. ठीक है गाइस, तो ये आपकी नीडल है और ये ग्लूकोमीटर बेसिकली. अब आपने मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक निकाली है नीडल. ठीक है, ताकि मैं पहले से रेडी हो जाऊँ कि मैं चेक किस तरह से करना है मुझे. तो सबसे पहले मैं इसको खोलूँगा. ठीक है, और मैंने एक नीडल ली और मैं इसका देखूंगा कि जिस पे ये सामने एक स्मॉल छोटा सा एक होल आपको नजर आ रहा होगा कि ये होल आपके इस के अंदर कहाँ पे फिट बैठ रहा है. ठीक है, जहाँ ये फिट बैठेगा वहाँ पे ये क्लिक की एक साउंड आएगी आपको. इसका मतलब है कि अब आपका जो ये मीटर या आपकी जो ये पेन है ये रेडी टू यूज़ है और इसमें आपको ये रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये लोडेड है. अच्छा, अब इसमें नीडल कहाँ है, तो नीडल यहाँ पर है कि आप इसको यहाँ से होल्ड करेंगे और इसको टच यानी कि घुमाएंगे तो ये आपकी नीडल सेफली बाहर आ जाएगी. अगर इस तरह से आपको यूज़ नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आप इसका कैप इसके पॉकेट करेंगे, लॉक करेंगे. ठीक है,
ठीक है। अब आपकी जैसी स्किन उसके हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। नॉर्मली होता क्या, हमारी स्किन एज अ पाकिस्तानी एक मिड लेवल की स्किन है, लाइक बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग 2.5 to 3 पे रखते हैं, ठीक है। जिसकी ज़्यादा हार्ड है वो 4 to 5, और आपको ये थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा, ख़ासतौर पर फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद, कि आपको कितना आपको सेट करना है। तो अगर मैं अपना कहूँ तो मेरा 2.5 आई थिंक सही है। अच्छा, अब ये चूँकि फुली लोडेड है, अब मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक एल्कोहलिक स्वाब जो कि इसके साथ नहीं मिलता, पर ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगा, किसी भी फार्मेसी पे आपको ये मिल जाता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप अपने स्किन में पंक्चर करते हैं तो उस जगह को साफ करना या सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लिए काफ़ी जो है इशूज़ क्रिएट हो सकते हैं, आगे जाके जगह पक सकती है क्योंकि वहाँ पर जंग होते हैं उस एरिया पर, तो उससे ये एल्कोहल से साफ हो जाता है। अच्छा, आपका ये है स्ट्रिप पैक। ये स्ट्रिप पैक मैं अगेन दोबारा से रिकमेंड करूँगा कि इसको आप फ़ौरन खोलें और बंद करें, नहीं तो ये आसान अल्फाज में ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें हवा लगना जो है ना, हवा लगने से ये ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिप निकालूँगा, ठीक है, एक स्ट्रिप मैंने बाहर निकाली। अब मैं क्या करूँगा, जो ये मेडिसाइन वाला जो पार्ट है इसको मैं इंसर्ट करूँगा इस मीटर के अंदर। जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूँगा ये ऑन हो जाएगा, AO9 इस पर लिखा हुआ रहा है। अब ये एक ब्लड का बेसिकली ड्रॉपलेट इसके ऊपर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब कि अब इसको ब्लड रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ इसको रख के एल्कोहलिक स्वाब को खोल के इसको अपनी स्किन को स्टेराइज करके मैं अपनी स्किन को पंक्चर करूँगा। किस तरह से करूँगा, ये बटन प्रेस करूँगा। अच्छा, मैं अगेन दोबारा कहूँगा कि मैं यहाँ पर साइड पर आप इसको रख के करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पेन कम से कम होगा क्योंकि फ्रंट पे नर्व बैंडिंग ज़्यादा होती है तो पेन ज़्यादा होने का खर्चा। आप क्या करेंगे, आप इसको पहले अपने फिंगर को रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि आपकी स्किन थोड़ी अंदर चली जाए क्योंकि वो नीडल अंदर होती नजर नहीं आती आपको, फिर आप बटन प्रेस करेंगे। जैसे आपने बटन प्रेस किया आपको हल्का सा एक ब्लड का ड्रॉप नज़र आएगा, अगर इनफ नहीं है थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर लें जो कि आपको इनफ होगा आई थिंक आपकी मशीन पर लगाने के लिए। आप इसका जो वाइट वाला पार्ट है, इस वाइट पार्ट पर इसको आप टच करेंगे और फिर इसको आप भले दोबारा उसी से साफ कर लें और फिर वेट करें अपने रिजल्ट का, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर अंदर देखें ये मेरा रिजल्ट मुझे नज़र आ गया जो कि है 87। अब इसकी एक ब्लड की एक रेंज होती है, एक साइकिल होता है, आपको अगर पता नहीं है तो वो भी आपको बता देता है। अच्छा, देखें अब चूँकि मैं अभी फास्टिंग में हूँ तो फास्टिंग की जो नॉर्मल रेंज है वो है 70 to 110 जो कि इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है 87। अगर मैं रैंडम कर रहा हूँ लाइक विदाउट एनी फास्टिंग, जो नॉर्मल रेंज है वो है 110 to 140। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं तो ये आप एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट आएगा आपका 110 से 140 के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा ये हो गया। अब इसको हम डिस्कार्ड कैसे करेंगे, सही आ रही है वो देखें। चले, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसका जो है ये निकालना है और इसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। मशीन अपने आप खुद ही खुद ऑफ हो गई, ठीक है, ये ऑफ हो गई। अब आई नीडल की बारी। नीडल को किस तरह से आपने करना है, दोबारा से उस तरह से आपने इसको दोबारा से खोलना है, ये आपने खोला। अब मेक श्योर कि आपके जो है हैंड उस पर ना लगे क्योंकि उसमें ब्लड लग चुका है। तो आप क्या करेंगे, ये पीछे जो एक बटन दिया हुआ है उन्होंने, आप इससे इसको थोड़ा स्लाइड अप करेंगे और उससे निकालने से पहले आप इसको जो इसका कैप था उसी में इसको आप प्रेस करके नीडल को उठाना ताकि आपकी नीडल सेफ हो जाए। अब आप जो है इसको ऊपर करके इसको निकाल सकते हैं, ये निकल गया। दोबारा इसको आपने पैक किया और ये रेडी टू यूज़ है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक बहुत बेसिक यूज़। तो गाइज बेसिकली ये था इसका एक नॉर्मल रिव्यू, नॉर्मल यूजेज कि किस तरह से आप अपना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और अपनी लॉक डायरी में इसको लॉक करके देखते हैं। अच्छा, अब आपने कभी जैसे लॉक चेक करना भूल गए या लिखना भूल गए तो दोबारा कैसे इसको खोलेंगे, तो अभी तो ये ऑफ है। आपने लास्ट टाइम जो इसको ऑन किया था वो बेसिकली आपने जब इसकी इसमें इंसर्ट की थी तो वो ऑन हो गया था। अच्छा, इसका मैनुअल तरीका ये होता है कि आप ये जो एम बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी जो भी लास्ट एंट्री होगी ये वो आपको दिखाएगा कि आपका लास्ट क्या था। उसके अलावा आपको चेंज करना है आप उसका, तो जो भी आपकी एंट्रीज है यानी कि पिछली एंट्रीज है वो आप सी दबा के चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल न्यू मशीन है तो इसमें वही एक ही एंट्री दिखा रहा है और इसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक दो फीचर्स और भी इसमें अच्छे फीचर्स हैं जो कि आई थिंक बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपकी एंट्रीज के साथ साथ आपको नीचे देखिए मेंशन हो रहा है आपका डेट
और आपका ईयर और आपका टाइम कि आपने कितने बजे एंट्री लिए, तो ये भी एक सबसे अच्छा रहेगा, खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो कि फास्टिंग में भी चेक करते हैं और आपने भी चेक करना है तो रैंडम जो होती है, तो उनके लिए अब ये फीचर कैसा से काम करेगा, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये एम बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। अब ये आ गया हम सेटिंग्स में, वो आप देखेंगे जैसे कि ये नीचे एक वन जो है ब्लिंक कर रहा है, तो बेसिकली आपको इस वक्त इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसको चेंज करता हूँ 1, 2, 3, 4 से लेकर, तो मुझे चेक करना ये क्या है, तो बेसिकली ये है मंथ, तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया है मार्च, ठीक है, और मैंने इसको फिर एम प्रेस किया। अब मैं आ गया डेट के ऊपर, आज डेट क्या है, जो कि आज है 19th मार्च, ये सेलेक्ट हो गया मंथ एंड डेट। अब मैं आया फॉर्मेट पे कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, अक्सर लोगों को 24 आवर्स फॉर्मेट सूट करता है, मगर हमारा नॉर्मली 12 आवर्स फॉर्मेट ज़्यादा चलता है, तो हम इसको 12 आवर्स फॉर्मेट पे सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब मुझसे पूछ रहा है टाइम, क्या अभी इस वक्त टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्ट, जैसे कि इस टाइम पर मैं इसको चेंज करूँगा 7:00 11 मिनट पे। अच्छा, इस टाइम पे एएम है कि पीएम है, इस वक्त हो रहा है हमारा पीएम, तो मैं इसको अभी ईयर सेलेक्ट करने का आपसे बोल रहा है, ये सेलेक्ट हो गया सेटिंग में। अच्छा, ये इस पर एएम पीएम सेलेक्ट नहीं हो सका, एक दफ़ा से इसको हम, अच्छा इसमें एक बीप सिस्टम है, बहुत से लोग चेक करना चाहेंगे बीप आपको बताया कि नहीं, आई थिंक रिकमेंडेड तो बीप के साथ ही है, विदाउट रिकमेंडेशन आप मतलब बीप के विदाउट आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी चेक करने में कि रिजल्ट आ गया है कि नहीं आया, तो आई थिंक उसको हम ऑन भी सेट रखते हैं। अच्छा, ये कुछ अगर आपको मेमोरी डिलीट करनी है तो ये उसके लिए होता है, अभी हमारे पास डिलीट करने के लिए एक ही मेमोरी है, तो नो या फिर यस का ऑप्शन था जो हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो हमें नो करना था। अच्छा, दोबारा से हम टाइम पर आ चुके हैं, मंथ हमारा आ गया, डेट आ गया, 12 आवर्स फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है 7, इसके अलावा ये कहाँ था जा रहा। अच्छा, आप देखिए अब ये पीएम पे आ गया, ठीक है, अब ये मेरा सेट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसको छोड़ देना, थोड़ी देर में ये ऑफ हो जाएगा खुद ही, अगर खुद ऑफ नहीं करना अब इसको, अब आप होल्ड करके रखेंगे सेकेंड तक ये ऑफ हो जाएगा। तो गाइज, होपफुली आपको ये मेरा प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे पास और मज़ीद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं शेयर करने का आपको दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।